अस्सलाम वालेकुम, सैयद बाकिर शाह की तरफ से हाजिर हैं। नाजरीन, बग़ैर तस्वीर के मोहब्बत का ख़ास अमल आप दोस्तों की खिदमत में लेकर हाजिर हों। अगर आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं लेकिन उसकी आपके पास तस्वीर नहीं है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज जो अमल का तरीका आपको बताऊंगा बग़ैर तस्वीर के है, बग़ैर तस्वीर के आप अमल करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। आज का जो अमल है, अमल को कोई भी कर सकता है, बेशक लड़का लड़की के लिए करना चाहता है या कोई लड़की लड़के के लिए करना चाहती है। अगर किसी शोहर के दिल में आप मोहब्बत, बीवी जो है शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहती है या कोई शोहर बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहता है तो आज का अमल कोई भी कर सकता है। मतलब अगर किसी के दिल में आपके लिए नफ़रत है, आप नफ़रत को मोहब्बत में बदलना चाहते हैं तो आप इस अमल को कर सकते हैं, और जिसके दिल में भी आपके लिए नफ़रत है इंशाल्लाह मोहब्बत में बदल जाएगी। अमल बहुत ही आसान है, ये अमल आपने आखिरी उम्मीद से करना है। अमल के बाद महबूब आपके कदमों में होगा, ये हमारी गारंटी है। अभी मंत्र भी आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले आपको मंत्र पढ़कर बता देता हूँ ताकि मंत्र पढ़ते वक्त आपसे कोई गलती ना हो, कोई अमल में आपको नुकसान ना पहुँचे। सुन ले, गौर से आपने मंत्र सुनना है। या मुशफ़ी अलकलूबी कलबह अजहब, या मुशफ़ी अलकलूबी कलबह अजहब, यह है मंत्र। तीन बार सिर्फ आपने मंत्र पढ़ना है, किसी ऐसी जगह पर जाकर आपने अमल करना है जहां आपके अलावा कोई मौजूद ना हो। इस मंत्र को सिर्फ तीन दफ़ा पढ़ना है, उसके बाद आपने उसके बारे में सोचना है कि जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं उसके बारे में सोचना है। इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत आपको मिल जाएगी, क्योंकि सैयद बाकिर शाह जो अमल बताते हैं 100% पक्के और सच्चे होते हैं। अगर आप अमल खुद नहीं करना चाहते, अमल के दौरान कोई मसला आता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पहले नंबर पर आप अमल को खुद करें, अगर खुद नहीं कर सकते तो आप अमल हमसे भी करवा सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि अमल के ज़रिए हल ना हो सके। आपके हर मसले को हम अमल के ज़रिए हल करेंगे, आपकी हर परेशानी को अमल के ज़रिए दूर करेंगे। तो अभी रابطہ करें, अपनी हर परेशानी को दूर करवाएं। अमल करने से पहले हमसे इजाज़त लाजमी से ले लें ताकि अमल में आपको कोई मसला ना आए, आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अमल के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।